एक रिकवरी किए और एक फेक डायमंड इसको भी पकड़े थे, जिसको दिखा के दो एक्यूज्ड अत्तर सिद्दीक और सलाम खान विक्टिम शेख हाजी को धोखा दिए। उन्होंने ये हीरा जो है 4.5 करोड़ का मार्केट वैल्यू का है करके बता के उनको 1.2 करोड़ में बेच रहे, कम में बेच रहे, बहुत कम कॉस्ट में बेच रहे करके उनको धोखा दे के फिर उन्होंने बताए थे, ये भी बताए थे कि आपको प्रॉस्पेक्टिव बायर्स जो भी है जिसको 4.5 करोड़ में खरीद सकते उनको आपके पास लाते हैं, आपको मदद करते हैं, पहले खरीद लो के उनको बताए थे। वो सुन के क्या किया इन्होंने शेख हाजी ने, कोई लोन्स किसी से लोन लाके 1.2 करोड़ रुपया जमा करके हीरा ले लिया उनसे। बाद में एक हफ्ता 10 दिन होने के बाद किसी को नहीं ला रहे थे उन लोग एक्यूज्ड, तो इनको प्रेशर आया, उनको जो पैसे दिए थे लोन वहाँ से प्रेशर आके उन्होंने खुद ट्राई किया इनको बेचने के लिए, तो बेच नहीं पाया। और इनको पता भी चला कि ये फेक है, बिल्कुल फेक है, काली ग्लास है, कुछ काम का चीज़ नहीं है। तो ये करते वक्त इन्होंने किसी से बतवाए भी थे इनको दूसरों से, इन्हें डिसाइटफुल मैनर तीसरों से दूसरों से ये अच्छा चीज़ है, ये डायमंड है, अच्छा चीज़ है करके उनको गलत तरीका से उनको इन्फॉर्मेशन भी दिलवाए थे। और ये करते वक्त बहुत इक्विपमेंट भी इस्तेमाल किए थे, जैसा ये डायमंड सेलेक्टर 2 एक इंस्ट्रूमेंट है, वैसा ही एक इंफ्रारेड लाइट, एक स्कोप जिसको क्या बोल मैग्नीफायर, जिसके साथ वो इनको मैग्नीफाई करके इनका कट्स दिखाते थे। तो इसके साथ साथ एक वेइंग मशीन वजन जानने के लिए, कैरेट जानने के लिए, इस तरह के चीज़ें खाली धोखा देने के लिए, दिखावट के लिए उनको बता के धोखा दिए थे। हमारे टास्क फोर्स वालों ने ये कंप्लेंट जब आया उनके पास बहुत अच्छा प्लान लगा के, स्ट्रेटजी लगा के तकरीबन 1.15 करोड़ से आगे, मतलब 95% से आगे उनको सीज करने में कामयाब हुए। इसके लिए उनको मैं बधाई देता हूँ। और ऐसे चीज़, ऐसे धोखे खास करके सोने में हो रहे, बुलियन में हो रहे। सोना जब बिक जाता है उस दिन का बुलियन का रेट के हिसाब से दिन दिन वो बदलता जाता, उस दाम के हिसाब से बिकता। कई लोग आके बताते जो सुनने के लिए तैयार है उनको बताएंगे हम 1000-2000 कम में दिलवाते आपको 10 ग्राम, लेकिन वो हो ही नहीं सकता। आपको भरोसा देने के लिए 10 ग्राम 20 ग्राम दिलवाते, बाद में बताएंगे एक ही बार आप ज़्यादा क्वांटिटी ले लो, 1 केजी ले लो, 1/2 केजी ले लो, इसके लिए पैसे ला लो, पैसे लेके चले जाते इस तरह के धोखेबाज। तो इसलिए मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके द्वारा, कृपा करके ऐसी चीज़ों में मत जाइए। कोई आके आपको ऐसा बताएगा कम में दिलाते करके बताएगा, आप हमको खबर करिए, कंट्रोल रूम को, या हमारा सोशल मीडिया में है, हमारा व्हाट्सएप मैसेज भी दे सकते हैं आप, जहाँ भी आप, आपको हमको इन्फॉर्म करेंगे, हम ज़रूर कानूनी कार्रवाई करेंगे, उनको अरेस्ट करेंगे उस तरह के धोखेबाजियों को। आपको धोखा ना होने का हम पूरा प्रयास करेंगे। आप भी नहीं सुनना इस तरह के चीज़ों को, नहीं सुनना, नहीं मानना, ये हमारा रिक्वेस्ट है आप सबसे।